ये देखिए समंदर सोमनाथ सी, इसे बोलते हैं सोमनाथ सी। ये देख रहे हो आप, ये मेरे पीछे सोमनाथ सी। व्हाट अ लोकेशन मैन, क्या नज़ारा है। जहाँ तक आपकी नज़रें जाए वहाँ तक समंदर ही समंदर है। ये है सोमनाथ, भगवान शिव का वास स्थान, पीछे मंदिर। तो मैं अभी हूँ, ये देखिए पीछे, ये आप जो देख रहे हो ये है सोमनाथ रेलवे स्टेशन। तो मैं अभी सोमनाथ रेलवे स्टेशन हूँ और लगभग मैंने पूरा सोमनाथ घूम लिया है, ब्लॉक कर लिया है, देखा है सोमनाथ को काफ़ी अच्छे से, पहचाना भी है। और तो भी मेरे को एक सिर्फ एक जगह रही है जहाँ मैं नहीं गया हूँ, वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ा था, अपनी देह त्यागी थी। ऐसी लोक कथाओं में मान्यता है कि भगवान सो रहे थे तो उनके पैर में एक पद्म चिन्ह था काले कलर का, तो एक तीर मार जो शिकारी था, कोई शिकारी था उसको, वो जो भगवान का पद्म था उसको वो हिरण की आंख लगी तो उसने तीर मार के मारा तो और वो भगवान के पद्म में लगा। वहाँ से फिर भगवान ने अपना देह त्याग कर दिया श्री कृष्ण भगवान ने, जो कि यहीं है सोमनाथ में। यहाँ से जिस जगह मैं खड़ा हूँ अभी सोमनाथ रेलवे स्टेशन के पीछे, आप मैंने आप बताया आपको, और ये देखिए ये हाईवे है, ये इधर मुझे जाना है, वो जगह यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर है। इस तरफ द्वारिका है, सीधे चले जाओगे द्वारिका है, जैतपुर है, भावनगर है। द्वारिका यहाँ से 232 किलोमीटर दूर है ज़्यादा। मैं आ गया हूँ भालका तीर्थ, ये देखिए ये गेट, इस गेट से अंदर मंदिर की तरफ जाएंगे। और ये पीछे देखिए क्या भव्य नज़ारा है, ये देखिए शिवलिंग, ये मेरे पीछे शिवलिंग है, दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। आ गया हूँ भालका तीर्थ। इस जगह के बारे में मान्यता ये है कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था, तो इससे मेरे लिए इससे पावन जगह कोई नहीं है। इस जगह मुझे आना था तो बस आना था, अभी अंदर चलते हैं, भजन कीर्तन चलते रहते हैं यहाँ पे। ये देखिए पूरे अंदर का व्यू, पूरे अंदर का व्यू, ये शॉप लगाई हुई है यहाँ पे, ये एक गेट, फिर इस तरफ भगवान का मंदिर, श्री कृष्ण भगवान स्वयं विराजमान है, दूसरा गेट, तीन गेट है यहाँ पे, और ये तीसरा गेट। ये देखिए आप, ये देखिए ये वही पीपल का पेड़ है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए थे। ये देखिए ये बगल से शिवलिंग है और एक तरफ ये भगवान की सैया है जहाँ पे भगवान लेटे हुए हैं। ये और ये वही पीपल का पेड़ है, समय के साथ साथ कटता गया है लेकिन अभी भी है, लगभग 5,500 साल पुराना ये पेड़ है, लगभग 5,500 साल पुराना ये पेड़ है, अब आप समझ लीजिए। हाय, तो मैं पहुंच गया हूँ वीर भंजन महादेव मंदिर, जो कि शिवलिंग जो है वीर भंजन महादेव मंदिर का, वो शिवलिंग वो रहा समंदर के नीचे, वो पानी से निकला है वो शिवलिंग। चलिए चलते हैं वहाँ। ये देखिए रास्ता कैसा है, यहाँ से मेरे को नीचे जाना पड़ेगा और मैं नीचे, ये देखिए आप देखते रहिए, मैं नीचे जा रहा हूँ,
मेरे को वहाँ उस शिवलिंग के दर्शन करने उस शिवलिंग तक पहुँचना है, और ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है। ये देखिए ये चट्टानें हैं, ये पत्थर की, और ये देखिए ये देखिए ये मेरे को पार करके उस तरफ जाना है, क्योंकि वहाँ से फिर नीचे का रास्ता मिलेगा। तो बस मैं जा रहा हूँ अभी, ये कैमरे की बहुत दिक्कत है। ये मैं आ गया हूँ इस तरफ जंप करके, और ये जो चट्टाने हैं वो बहुत हार्ड हैं, काफ़ी कठोर हैं। समंदर के किनारे हूँ मैं, ये देखिए समंदर है पीछे। भगवान से मिलना है तो कुछ भी करना है। बस आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ ये देखिए समंदर का पानी, मेरे को उस तरफ जाना है, काफ़ी उफन रहा है समंदर। देखिए काफ़ी लहरें यहाँ तक आ रही हैं, मेरे पैरों तक लहरें आ रही हैं, बहुत दिक्कत वाली बात है। और ये काफ़ी चुभ रहा है पैरों में, लगे बहुत रहा है ये समंदर, बहुत उफन रहा है यहाँ पे। आ गया हूँ मैं नीचे आ गया हूँ, ये देखिए मैं नीचे आ गया हूँ, नीचे जो जगह मैंने ऊपर से दिखाई थी आपको ऊपर थी, वहाँ से मैं नीचे आ गया हूँ। अब मेरे को बस महादेव तक जाना है, मैं बस महादेव तक जा रहा हूँ। ये देखिए समंदर देखिए, नीचे समंदर है, और ये मैं आ गया हूँ नीचे। जस्ट ये यहाँ पे बहुत फिसलन है, ऊपर इतनी फिसलन नहीं थी, समंदर से ये लहरें आ रही हैं। मेरा पैंट भीग चुका है, ये देखिए मेरा पैंट, मैं समंदर में हूँ, भीग चुका है पत्थरों पे, काफ़ी फिसलन है, ऐसा लगता है कि गिर ना जाऊँ, गिर जाऊँगा तो बहुत तगड़ी चोट लग जाएगी। ये देखिए मैं भीग चुका हूँ, ये देखिए नीचे, पर महादेव के पास जाना है, उस शिवलिंग का दर्शन करना है। वो देखिए पीछे शिवलिंग है, ये शिवलिंग है पीछे, झंडा लगा हुआ है भोले बाबा का। बस डर ये है कि कोई ऐसी लहर ना आ जाए जो पूरा भिगा दे। ए भोले बाबा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। बस मैं जा रहा हूँ, लहर तो बहुत तेज है पर जाना तो है, कुछ भी हो जाए। ये देखिए ये महादेव हैं, बस महादेव के पास जाना है समंदर में, और ये अंदर है, समंदर के अंदर है ये चीज। मैं भीग चुका हूँ पूरा, और ये आ गया हूँ भोले बाबा के पास। जय महादेव, शंभुनाथ, जय शंभु, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। ये है ओ भोले बाबा जी दर्शन बैक। और अभी मैं हूँ सोमनाथ रेलवे स्टेशन पे, मेरा वीडियो लगभग बना लिया है मैंने, पूरा कंप्लीट हो गया है, और अभी मैं जा रहा हूँ घर। मैं बहुत थक चुका हूँ, अभी देखिए पीछे ये ट्रेन है, इससे मैं अपने घर चला जाऊँगा अहमदाबाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ऐसी ही धार्मिक यात्राएं करनी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे का बटन दबाइए, और कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगला मंदिर आप कौन सा देखना चाहेंगे। अगर आपको कोई मंदिर पता है जो जिस पे जाने में एडवेंचर है, थ्रिल है, तो प्लीज़ कमेंट में आके उस मंदिर को बताइए मेरे को कहाँ पे है वो मंदिर, मैं ज़रूर जाऊँगा वहाँ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, जय भोले।